कटनी के इसलीमनाबाद थाना क्षेत्र में 3 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर अफीम की खेती पर बहोरी बंद एसडीएम सहित इसलीमनाबाद पुलिस ने दबिश देकर अफीम कटवा कर जब्त की है। कटनी जिले से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरैया पंचायत छपरा वीरान ग्राम में स्थित इस खेत में बड़ी मात्रा में अफीम की खेती की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम बहोरी बंद रोहित सिसोनिया, तहसीलदार विजय सहित इसलीमनाबाद टीआई सीके तिवारी ने अपने स्टाफ के साथ खेत पर दबिश दी, जहां 3 आरोपी मौके पर अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने अफीम की खेती कटवा कर जब्त कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बहोरी बंद एसडीएम ने यह भी बताया कि इस अफीम की खेती करने में बाहरी लोगों के शामिल होने से नकारा नहीं जा सकता है, जिसकी जांच की जा रही है। खेती की जा रही थी, कौन सा इलाका है और किस तरीके से खेती हुई थी? ये इसलीमनाबाद का छपरा वीरान गांव है और हमें खबर मिली थी ऐसा कि यहाँ इलीगल अफीम की ओपीएम की खेती हो रही है, तो हमने आके दबिश दी यहाँ पे। हमारी पूरी टीम थी जिसमें तहसीलदार साहब थे, पटवारी थे, कोटवार थे गांव के हमारे, पुलिस के साथी थे, टीआईजी की टीम थी हमारे साथ। और इस छपरा वीरान गांव में जब हमने आगे देखा तो हमको चौंक गए। हम बहुत गेहूं की फसल के बीच में तकरीबन 1.25 एकड़ में अवैध इलीगल अफीम की खेती हो रही है और ये सारी फसल जो है हमने अपनी टीआई साहब की सुपुर्दगी में दी हुई है और जो हमारा एक्ट है इसमें एनडीपीएस एक्ट उसके तहत इसमें कार्रवाई होगी और एनडीपीएस एक्ट के तहत के प्रावधानों के तहत इसमें कार्रवाई होगी और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। तो ये कौन सा इलाका पड़ता है? ये इसलीमनाबाद का छपरा वीरान बहुरीबंद के उसमें आता है सब डिवीजन में। सर ये भी पता चल पाया है कि किसके खेत थे ये? वो अभी उस पर खोज मतलब इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे ही पता चलता है वो हम आपसे शेयर करेंगे। क्या इसमें अभी तार बाहरी लोगों से भी जुड़े होने की संभावना लग रही है आपको कि बाहरी लोगों ने ही ये सब काम? वो इनकार नहीं किया जाता, विवेचना का पॉइंट है वो, जैसे जैसे विवेचना इसमें बढ़ेगी आगे आपको इन्वेस्टिगेशन में। खेती करने वाले आरोपी ने ग्राम के लोगों को यह बताया कि वह राजस्थानी राय की खेती करा रहा है जिसमें वह काम करने लगे थे। ग्राम के लोगों ने यह भी बताया कि यह खेत सुरेश चौधरी का है। इस संबंध में तो हमको कोई जानकारी नहीं है, हमसे यह बात की जानकारी दी गई और उसे कहा गया कि ये हम लोग के यहाँ की क्षेत्रीय राय है और ये हम लोग के यहाँ इसमें हम लोगों को समस्त मजदूरों से निराई की गई और पूरा कार्यभार करवाया गया। कितने एकड़ होगी करीबन? ये तकरीबन 3-4 एकड़ का प्लाट है और ये प्लाट सुरेश चौधरी करके गए देवरी से। ग्राम पंचायत का नाम आपका? सुरेश चौधरी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोतीलाल रदास है। गांव के है? ग्राम पंचायत पिपरिया प्रौध लाइन टोला से। हाँ तो वही तो है यार।